अब देखिए फर्स्ट के लिए एक एक करके यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू है या फॉल्स है और आंसर आपको जस्टिफाई करना है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 10A की वैल्यू जो है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि टेन 60 डिग्री क्या होता है आपका, √3 है, मोर देन 1 है। तो ये ट्रू हुआ नहीं ना, ये फॉल्स हो गया, क्लियर। सेकेंड नंबर देखो यहां से, के इक्वल टू 12/13 फॉर सम एंगल ऑफ ए, क्या के की वैल्यू 12/33 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस 12 ये है, बी अपॉन एच होता है, अगर हम इसे ए मानते हैं तो एच बाई बी ये हो गया और ये 3 हो गया, तो ये पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। सेक ए इक्वल्स टू 12/13 क्योंकि साइड 3 होगा है ना, 3 क्योंकि क्या होता है ये हाइपोटेनियस अपॉन ये क्या हो गया एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस क्या है यहां पर, हियर हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन एडजेसेंट, तो ये पॉसिबल है ना, दिस इज पॉसिबल है ना, यह संभव है, ये हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है? तो जो कह रहा है उस चीज को अगर हम दिखा देते हैं वो सही माना जाएगा, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो गलत माना जाएगा। देखिए cos इज द एब्रीविएशन ऑफ यूज्ड फॉर द cosecant, गलत है। cosecant किसका होता है, cosec का होता है, cosecant किसका हो जाता है, ये क्या लिखेंगे, cosec इज ए एब्रीविएशन, ऑफ cosecant है ना, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है, डन। नेक्स्ट के लिए चलिए, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, पॉसिबल नहीं है। देखिए cot 30 डिग्री जैसे की है तो दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, cot एंड 30 डिग्री, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। देखो नेक्स्ट के लिए चलो, यहां पर क्या साइन थीटा इज 4/3, क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, इसके हिसाब से चले तो ये पी होगा और ये एच होगा, और कोई अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो इसमें पी क्या हो गया, इसका नाम अगर हम ए बी सी ले ले तो इसके लिए पी हो गया 4 और एच हो गया 3, क्या हो जाएगा, हेयर हाइपोटेनियस इज लेस देन किसके, परपेंडिकुलर, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इस तरीके से क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, यानी एक दूसरे स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सब फॉल्स है, ठीक है, विद रीजन ये हो गया, क्लियर। चलिए तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज बच्चों हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ, जो बेसिक तौर पर क्या है कि बेसिक तौर पर आपका यही है कि साइड के बेस पर है, पाइथागोरस यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो ट्रिक बताया था पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल वो याद रहना चाहिए, और कुछ रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो 6 और 10 नंबर है उसको थोड़ा अलग से ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सारे एक फॉर्मेट के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।